हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बीटी का डिलीशन प्रोसेस देखेंगे। और हमने जो बीटी ये बनाया है, ये ऑर्डर 5 का बीटी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें मैक्सिमम कीज जो हो सकती हैं वो ऑर्डर -1 हो सकती हैं और मिनिमम नंबर ऑफ कीज इसमें 2 होंगी, क्योंकि हम ऑर्डर -1 एंड देन डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 4 2। सो 4 बाई 2 मतलब कि इसमें 2 कीज हैं जो कि मिनिमम हो सकते हैं किसी भी नोड पर, लेकिन रूट नोड जो है वो मिनिमम की कंडीशन को वायलेट कर सकता है। इसका मतलब है कि रूट नोड के पास सिंगल की भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं और इसमें कुछ कीज को हम डिलीट करते हैं, और डिलीशन में बहुत सारे केसेस हैं। हम लोग जैसे जैसे कीज को डिलीट करेंगे उन केसेस को हम देखते हैं। तो हम सबसे पहला केस जो देख रहे हैं वो हम लीफ नोड से डिलीशन का प्रोसेस देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा की गिवन है जो कि लीफ नोड में है और हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे डिलीट करेंगे आइए हम इस प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो हमारा ट्री बना है उसमें हम 64 को डिलीट करते हैं। तो किसी भी की को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें उस की को लोकेट करना होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो बी ट्री हमारा बना है वो लगभग बाइनरी सर्च ट्री जैसा होता है, जिसमें कि असेंडिंग सिक्वेंस में कीज भी अरेंज हैं और आपको डायरेक्शंस मिलेंगी किसी नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए, अगर की बड़ा है या छोटा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 64 को सर्च करना है, तो 64 की का जो हम सर्च स्टार्ट करेंगे वो रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा रूट नोड है और 64 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। सिमिलरली जो 64 है वो 60 से बड़ा है, इस नोड में अब हम इसको रेफर कर रहे हैं, 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है, इसका मतलब हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। और ये जो नोड जहां हम पहुंच रहे हैं ये हमारा लीफ नोड है जिसमें 64 प्रेजेंट है, और 64 इस नोड से हम डिलीट अगर करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस नोड में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज। अगर इसमें केवल 2 की होती तो केस डिफरेंट होता, लेकिन इस नोड में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, 3 की है, इसलिए हम 64 को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम 64 को यहाँ से सिंपली डिलीट कर देते हैं। 64 को हम यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ये जो हमारा नोड है अब इसमें 2 की बची हैं, एक है 65 और 68। इसके बाद मान लीजिए कि हमें अगर डिलीट करना है की 23 को, तो हम लोकेट करते हैं कि 23 की कहाँ है। सो 23 की के लिए 50 के हम लेफ्ट में जाएंगे एंड देन इस नोड में 23 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, इसका मतलब हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। जिस नोड पे हम पहुंचते हैं वो लीफ नोड है और यहाँ पे जो कीज हैं वो एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ कीज 23 इस नोड में है और इस नोड में एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ कीज। अगर आप 23 को सिंपली डिलीट कर देंगे तो इस नोड में नंबर ऑफ कीज सिंगल रह जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है, सिंगल की इसमें नहीं हो सकती, मिनिमम की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि बोरो करते हैं इमीडिएट लेफ्ट नोड से या इमीडिएट राइट नोड से। तो यहाँ पे राइट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट से बोरो करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट से हम बोरो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट का जो मैक्सिमम की है मतलब कि 16 जो है, इसको हम बोरो करते हैं लेफ्ट नोड में, लेकिन डायरेक्टली बोरो नहीं किया जा सकता, इसलिए हम पेरेंट के थ्रू बोरो करते हैं। तो ये जो 16 की है वो पेरेंट के पास चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये जो 20 की है वो नीचे चला जाएगा इस नोड में। तो इस नोड में कौन कौन सी की आ जाएंगी, 20 23 और 27। और चूंकि हमें 23 को डिलीट करना था तो हम डिलीट कर देंगे और इस नोड में बच जाएंगी कीज 20 और 27, जो कि 2 की है, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ की है जो कि अलाउड है। एक बार फिर से इस प्रोसेस को देखते हैं। हमने क्या किया कि ये देखा कि जिस की को डिलीट करना था क्या उस नोड में मिनिमम नंबर ऑफ की है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ की है तो हम लेफ्ट से बोरो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट नोड है वो लेफ्ट नोड ये वाला नोड है जिसमें कि मिनिमम से ज्यादा की है। तो मिनिमम से ज्यादा की है, तो लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम की है उसको हम पहले पेरेंट के पास भेज देते हैं और पेरेंट जो की है उसको हम इस नोड में लेके आते हैं। तो इस नोड में कौन कौन से कीज हो गए, 20 हो गया, 23 हो गया और 27 हो गया। अब चूंकि 23 को हमें डिलीट करना था तो हम सिंपली डिलीट कर देंगे और इस नोड में जो कीज रह जाएंगी वो रह जाएंगी 20 और 27। तो आइए इन चेंजेस को इसमें हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 16 आ गया है पेरेंट के पास,
और 16 को हम इस नोड से हटा देते हैं। इस नोड में अब 14 और 15 बच गया, और जिस नोड से हमें डिलीट करना था उसमें की रह गई है 20 और 27। तो 23 को हम इसमें से हटा देते हैं और 20 को यहाँ पे लेके आते हैं। तो 16 यहाँ पे है मेरे पास और ये की मेरा रिजल्ट। तो आई होप आप इसको समझ गए। चलिए नेक्स्ट की को हम डिलीट करते हैं, और लेट्स से जिस की को आपको डिलीट करना है अब है वो 72। लोकेट करते हैं 72 को। 72 आप देख सकते हैं कि रूट से आप चले 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है, इसलिए आप इस पाथ को फॉलो करेंगे। 60 से बड़ा है, 70 से भी बड़ा है और 75 से छोटा है, इसलिए आप इस पाथ को फॉलो करेंगे। और इस पाथ को जब आप फॉलो करेंगे तो इस वाले नोड में आप देख सकते हैं कि 72 है, ये लीफ नोड है। और सबसे पहले आपने देखा कि क्या हम 72 को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट सिबलिंग की तरफ देखेंगे, लेकिन लेफ्ट सिबलिंग के पास भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। फिर आपने इसके राइट सिबलिंग की तरफ देखा, राइट सिबलिंग में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की है। इसका मतलब है कि हम राइट सिबलिंग से एक नोट, एक की को बोरो कर सकते हैं। तो जो आपने बोरो करने की कोशिश किया तो बोरो पेरेंट के थ्रू। सबसे पहले जो लेफ्ट सॉरी राइट सिबलिंग का जो सबसे छोटा की है मतलब 77, हम उसको ऊपर भेज देते हैं पेरेंट के पास, और पेरेंट से पेरेंट की को इस नोड में लेके आते हैं जिससे हमें डिलीट करना था। तो अब इस नोड में कौन कौन सी कीज हो गई, 72, 73 और 75। चूंकि हमें 72 को डिलीट करना है तो हम 72 को डिलीट करेंगे और इस नोड में मिनिमम कीज रह जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। हमें 72 को डिलीट करना था तो हमने पहले लेफ्ट सिबलिंग की तरफ देखा, लेफ्ट सिबलिंग के पास मिनिमम नंबर ऑफ की है। फिर हमने राइट सिबलिंग की तरफ देखा, राइट सिबलिंग के पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की। तो राइट सिबलिंग से मैंने जो सबसे छोटी की है 77 उसको पेरेंट के पास भेज दिया, और जो पेरेंट की जो की थी उसको हम इस नोड में ले आए जिससे हमें डिलीट करना, और फाइनली हमने डिलीट कर दिया। तो आइए जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं। 75 अब हमारा यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे आ गया 77, और 77 को हमने इस नोड से हटा दिया। इस नोड के पास कीज हैं 78 और 79, और इस नोड में जिससे हमें डिलीट किया था उसमें 73 और 75 कीज रहे। तो हम असेंडिंग सीक्वेंस में लिखते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले 73 लिख दिया एंड देन हमने 75 लिख दिया। तो ये हमारा लीफ नोड से डिलीशन हो गया। तो लीफ नोड से डिलीशन की तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। अगर एग्जैक्टली मिनिमम की है तो आप पहले लेफ्ट सिबलिंग की तरफ देखिए और फिर राइट सिबलिंग की तरफ देख लीजिए। जिसमें भी ज्यादा कीज हो पहले लेफ्ट में, अगर ज्यादा कीज है तो आप तो लेफ्ट की मैक्सिमम की को पेरेंट के पास भेज के पेरेंट को नीचे ले आइए। सिमिलरली अगर लेफ्ट में मिनिमम नंबर ऑफ कीज है तो आप राइट सिबलिंग की तरफ देखिए, अगर राइट सिबलिंग में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की है तो राइट सिबलिंग का सबसे छोटा एलिमेंट जो उसको पेरेंट के पास भेज दीजिए और पेरेंट को नीचे लेके आ जाए। तो अभी मेरा ट्री ऐसा है। अब आइए और डिलीट करते हैं इसमें से एलिमेंट्स, और लेट्स से अब जो नेक्स्ट की आप डिलीट करने जा रहे हैं लेट्स से वो 65। तो सबसे पहले हम 65 को लोकेट करते हैं। 65 अगर हम रूट से चले तो 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है, इस नोड पे आप पहुंचे। इसमें 65 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है, फिर आप इस नोड पे पहुंचे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की, लेफ्ट सिबलिंग की तरफ देखा उसमें भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की, फिर आपने राइट सिबलिंग की तरफ देखा इसमें भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की। तो इसका मतलब क्या है कि आप तो इनमें से किसी भी की को बोरो नहीं कर सकते, ना तो लेफ्ट से कर सकते हैं ना ना तो राइट से कर सकते हैं। इस केस में आप क्या कीजिए कि जो आपका बोरो नहीं हो सकता तो दो नोट्स को मर्ज कर दीजिए। तो चूंकि आपको इस नोट से डिलीट करना था तो आप इसके लेफ्ट सिबलिंग के साथ इसको मर्ज कर दीजिए, या इसको इन दोनों जो नोड्स हैं इनके कीज को मर्ज कर दीजिए। लेकिन मर्ज करते समय आपको पेरेंट की को भी नीचे लेके आना है। इसका मतलब 51 52 तो है, ये जो 60 है वो भी हमारा नीचे आ जाए पेरेंट की। तो अब इस नोड में हमारे इतने कीज हो गए, अब आप 65 को डिलीट कर दीजिए। तो हमने देखा कि लेफ्ट में मिनिमम की, राइट में मिनिमम की, तो हमने लेफ्ट वाले जो सिबलिंग है उसको मर्ज कर दीजिए। अगर लेफ्ट सिबलिंग एग्जिस्ट नहीं करता तो आप राइट वाले सिबलिंग को मर्ज कर दीजिए, लेकिन आप मर्ज कर रहे हैं तो पेरेंट की को भी आपको नीचे लेके आना पड़ेगा इसी, क्योंकि एक चाइल्ड कम हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि हम पेरेंट नोड को नीचे लेके आए।
तो आपने जो चेंजेस किए हैं उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा दीजिए। LM60 को हटा देते हैं यहाँ से, इन दोनों नोट्स को मर्ज कर देते हैं। और आपको क्या करना है, इसमें 65 को डिलीट कर देना है, 65 के हिसाब हटा दीजिए। तो ये आपका रिजल्टेंट ट्री है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप आइए एक और की हम इसमें से रिमूव करते हैं, एंड लेट्स से दैट की इज 20। हमें डिलीशन करना था 20 का, तो सबसे पहले हमने लोकेट किया 20 वाला नोड, ये है इसके लेफ्ट सिबलिंग में एग्जैक्टली मिनिमम की। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों नोड्स को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए हम पेरेंट नोड को नीचे लेते हैं, तो 16 को हम नीचे लेके आएंगे। जैसे हम 16 को नीचे लेके आएंगे और इन दोनों नोड्स को मर्ज करेंगे, तो इस वाले नोड में या जो इसके पेरेंट नोड है उसके पास एक ही कम रह जाएगा, इसमें केवल 10 रह जाएगा, तो ये 10 तो अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि क्या हम बोरो कर सकते हैं क्या। तो बोरो के लिए हमने इसके भी जो सिबलिंग्स है, देखा लेफ्ट सिबलिंग इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका राइट सिबलिंग एग्जिस्ट करता है, तो राइट सिबलिंग में भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है, तो राइट से हम नहीं लेके आ सकते। तो राइट से नहीं लेके आ सकते, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे और पेरेंट की को हम नीचे ले। तो चूंकि रूट में मिनिमम नंबर ऑफ कीज अलाउड है, मिनिमम नंबर ऑफ की 1 अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि हम रूट से इस 50 को हम नीचे लेके आ सकते हैं। तो आइए इसको हम इन जो जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराते हैं। सबसे पहले 16 हमारा नीचे आ गया और ये जो नोड हमारा बन गया उसमें 5 की हो गई, और 5 की में से हमें जो डिलीट करना था वो 20 डिलीट करना था, इस 20 को आप डिलीट कर दीजिए। तो इस नोड में हमारे पास 14, 15, 16 और 27 है। चूंकि हम इस नोड में एक सिंगल की नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया कि इसके राइट वाले को हमने इसके साथ मर्ज कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड हमारा बना इसमें हमारी 3 कीज हैं, और हम क्या करते हैं कि 50 को भी हम नीचे लेके आ गए, तो 50 को हम नीचे लेके आ गए। So, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट फिर से करा देते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं 50 को लेके आते हैं, क्योंकि 50 की को हम रूट से ले यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये जो नोड है इसके पास अब ये जो नोड हमारे पास है अब इसके पास 4 की हो गई, 10, 50, 70 और 77। ये 50 यहाँ से हट गया है, केवल एक पॉइंटर होगा रूट से 80 के लेफ्ट में और एक पॉइंटर होगा 80 के राइट में। तो पॉइंटर की सेटिंग हम सही कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस नोड में 4 की अब आपके पास है, 1, 2, 3 और 4, और ये जो इसके चिल्ड्रन हैं वो 5 चिल्ड्रन हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है कि हमारा ट्री अभी सही है। तो नाउ लेट्स से हमने जो भी चेंजेस किए थे इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं इन नोटेशंस को बता के। ओके, सो अब हमारे पास जो ट्री बचा है उसमें से हम एक और की डिलीट करते हैं। लेट्स से हम इसमें से डिलीट करने जा रहे हैं 70। लेट्स से हमने 70 डिलीट किया, तो 70 कैसे डिलीट करेंगे, 70 को हमें सबसे पहले लोकेट करना होगा। और अब ये जो 70 है वो हमारा, ये जो 70 हमारा है वो अब वो लीफ नोड नहीं होके बल्कि 70 हमारा इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड का जो डिलीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अभी हमने केवल लीफ नोड का डिलीशन देखा था, अब हम इंटरनल नोड का डिलीशन देखते हैं। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, वी आर नाउ गोइंग टू डिलीट फ्रॉम द इंटरनल नोड्स। तो जो सबसे पहला की हम इसमें से डिलीट कर रहे हैं, एंड दैट इज लेट्स से 70। 70 इज इन द लीफ नोड, यहाँ से हम
सॉरी इंटरनल लीफ नोड्स हम इसको हटा देते हैं। तो जब हम इंटरनल नोड्स की से डिलीशन करते हैं तो सबसे पहले तो हमने इसको लोकेट कर लिया, 80 से छोटा है तो ऑब्वियसली हम इस नोड में आएंगे। और ये जो नोड, ये जो की 70 है, ये की 70 हमारा इस नोड में है, इंटरनल नोड में, तो इंटरनल नोड से हमें इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसका प्रेडिसेसर नोड, प्रेडिसेसर की देख लेंगे या सक्सेसर की देख लेंगे। तो इन ऑर्डर में आने वाला, इन ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग सीक्वेंस में आने वाला, या तो आप इन ऑर्डर प्रेडिसेसर देख लीजिए और या तो इन ऑर्डर सक्सेसर देख लीजिए। तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर अगर मान लीजिए हम देखते हैं तो 70 का प्रेडिसेसर 68 होगा, तो हमें 68 को ऊपर भेजना, ठीक है, 70 को डिलीट करने के लिए हमें 68 को ऊपर भेजना होगा। तो देखिए कि डिलीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, कि हम 70 को हटा रहे हैं और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर जो कि 68 है इसको हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं सेपरेटर की, या जिस की को हमें डिलीट करना था उसके, उसका हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि हम जिस की को डिलीट करना चाहते हैं वो है 95। 95 को हम कैसे डिलीट करेंगे, सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं 95। तो 95 हमारा ये की, तो 95 जो की हमने लोकेट कैसे किया, रूट से चले 80 से बढ़ाया तो इसलिए इसमें। इसको अगर आप डिलीट करेंगे तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर अगर आप इसका फाइंड करें तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर ये वाला नोड में आएगा, लेकिन इस 93 है, 93 के डिलीशन से इसमें मिनिमम की कंडीशन वायलेट हो जाए, तो आप इसको मत डिलीट कीजिए बल्कि आप इसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड कीजिए। तो इन ऑर्डर सक्सेसर 95 को कैसे मिलेगा, 100 हो गया इन ऑर्डर सक्सेसर इसका, और इस की में, इस नोड में या सक्सेसर जिस नोड में, उसके पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की है, तो इसलिए आप 100 को डायरेक्टली ऊपर लेके जा सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 95 को डिलीट करने के लिए इसका इन ऑर्डर पर सक्सेसर जो है 100 उसको यहाँ लेके आए और 100 को यहाँ से हटा दिया। सो दिस इज द डिलीशन ऑफ 95। तो सबसे पहले हम प्रेडिसेसर के लिए सर्च कर लेते हैं, अगर नहीं मिला तो हम सक्सेसर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट की जिसको आप डिलीट करना है, लेट्स से वो है 72। तो 72 आप लोकेट कीजिए कि 72 कहाँ पे है, सॉरी 72 नहीं है यहाँ पे, ओके तो हम क्या करते हैं कि 73 को डिलीट करते हैं, लेट्स से 72 की जगह। तो 73 हमारा ये वाला नोड है, ये वाला है। 73 को अगर आप डिलीट करेंगे तो ये लीफ नोड का डिलीशन हो रहा है और इसमें एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की है तो हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हम इसका जो लेफ्ट सिबलिंग है उसमें देख लेते हैं कि हम लेफ्ट सिबलिंग से कोई बोरो कर सकते हैं कि, यस हम 60 को बोरो कर सकते हैं यहाँ से। तो 60 को अगर आप बोरो कर सकते हैं तो 60 को पेरेंट के थ्रू हम बोरो करें, तो 60 को हम पेरेंट की तरफ भेज देते हैं और 68 को हम यहाँ पे लेके आ गए। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हम 68 को यहाँ से हटाते हैं और इस वाले नोड में लेके आ जाते हैं और 60 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 60 को हमने यहाँ से हटा दिया। ये जो नोड जिसमें हम लेके आए हैं, जहाँ से डिलीट करना था 73 को, यहाँ पे की बच जाएंगी 68, 73 और 75। इनमें से हमें 73 को डिलीट करना था, 73 को हटा दीजिए और इसमें की बच जाएंगी 68 और 75। यही काम हम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करा देते हैं, 68 और 75। नेक्स्ट की जिसको आपको डिलीट करना है, लेट्स से वो है 80। तो 80 को आप कैसे डिलीट करेंगे, 80 आपका रूट नोड है, तो ये रूट नोड का मतलब क्या है कि ये इंटरनल नोड है, तो इंटरनल नोड को आप डायरेक्टली वैसे डिलीट नहीं कर सकते। तो इंटरनल नोड को अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना पड़ेगा। तो रूट नोड का जो प्रेडिसेसर है वो क्या होगा, 80 का, 80 का प्रेडिसेसर है 79। ओके 79 को आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की है, तो आपने लेफ्ट सिबलिंग की तरफ देखा, नहीं ला सकते क्योंकि लेफ्ट में भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की, राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों नोड्स को लेफ्ट वाले के साथ मर्ज कर दें। तो आपने क्या किया, इसका ये नोड और ये नोड आपने मर्ज कर दिया। 79 को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो 70 ये नोड और ये नोड अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो सेपरेटर की जो 77 है वो इसी नोड में आ जाएगी, ठीक है, जब आप मर्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो सेपरेटर की या पैरेंट की है वो इसी में आ जाएगी। फिर आप 79 को यहाँ से हटा के रूट नोड की तरफ लेके जाइए और 79 को आपने यहाँ पे भेज दिया। तो जो हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ से हटा देते हैं।
और फ्रेश बना लेते हैं इस नोट को। इस नोट में कौन कौन सी की हैं? 68, 75, 77 और 78, ये कीज में होंगी। इस नोट को हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि ये बेटर दिखे। 68, 75, 77 और 78, और रूट नोट के पास अब आ गया है 78। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम डिलीशन प्रोसेस को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट अस सपोज कि हमें डिलीट करना है की नंबर 50 को। तो अगर हम 50 को डिलीट करते हैं तो लोकेट किया तो हम रूट नोड से चले और रूट नोड से यहाँ पे आ गए इस नोड पे। ये इंटरनल नोड में है 50 हमारा। अगर अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर फाइंड कर लें या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड। प्रेडिसेसर वाले नोड में, प्रेडिसेसर इसका 15 है, इस वाले नोड में मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो अगर हम सक्सेसर को फाइंड करें तो सक्सेसर वाले में भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों नोड्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 50 को डिलीट करते हैं और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो अगर हम मर्ज करेंगे तो इसमें चार कीज होगी, 14, 15, 51 और 52। लेकिन इस नोड में जहां से हमने 50 को ओरिजिनली डिलीट किया है उसमें केवल 10 रह गया। तो ये मिनिमम की कंडीशन को इसने वायलेट कर दिया। तो अब मिनिमम की कंडीशन को अगर वायलेट इसने किया है तो ये क्या करेगा कि ये पेरेंट नोड के थ्रू इसको बोरो, ठीक है? तो पेरेंट्स के नोड के थ्रू अगर हम इसको बोरो करते हैं तो उस केस में क्या है कि 68 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। और अगर हम 68 को यहाँ पे लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूट नोड है इस रूट नोड में सॉरी रूट नोड में 0 की होगी। इसका मतलब क्या है कि हम हाइट को हमें श्रिंक कराना पड़ेगा, या फिर अगर आप ऐसे देखें इसको तो अगर हमें 50 को डिलीट कर दिया और 50 को डिलीट कर देंगे तो इसमें सिंगल की बच रही है। तो अब ये क्या करेगा, अपने सिबलिंग से पूछेगा कि क्या हम इसे बॉरो कर सकते हैं सिबलिंग से कि नहीं। सिबलिंग के पास भी एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ की है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिबलिंग से बॉरो नहीं कर सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों नोड्स को मर्ज कर देते हैं। तो अगर मर्ज कर देंगे तो ये केवल एक ही नोड आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेपरेटर की या जो पेरेंट की उसको हमें नीचे लेके आना होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ट्री की हाइट है वो श्रिंक हो जाएगी। तो 50 को डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, पेरेंट को नीचे लेके आए और इन दोनों को मर्ज कर दिया इसके सिबलिंग्स को। तो हमारे पास ये 68 नीचे आ गया। तो आइए हम इस ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब पेरेंट नोड या जो रूट नोड हमारा है वो ये नोड हुआ जिसमें 10 है की, जिसमें 68 है, जिसमें 79 है और जिसमें 90 है। इसके पांच चिल्ड्रन होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला इसका चाइल्ड होगा 4, 5, दूसरा इसका चाइल्ड है 14 एंड 15, और ये दोनों को हमने मर्ज किया था ना, 14, 15, 51 एंड 52। और एक ये जो की है, ये जो नोट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे, 73, 75 और 78 एंड देन 81, 82, 89। और इस वाले नोट में जैसे कीज थे वैसे ही रहेंगे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, 92, 93, 110 एंड 111, ये वाला नोट। इस केस में क्या हुआ कि जो हाइट हमारी वो श्रिंक कर गई, क्योंकि हम इसके लेफ्ट सिबलिंग से या राइट सिबलिंग से बोरो नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, पेरेंट को नीचे लाना पड़ा। चूंकि पेरेंट भी सिंगल की है इसलिए हमें ट्री की जो हाइट है उसको श्रिंक करना पड़ेगा। तो अब पहले ट्री की हाइट हमारी 2 थी, अब ट्री की हाइट हमारी केवल 1 रह गई इस नोड के डिलीशन से। सो आई होप आपको बी ट्री का डिलीशन समझ में आया होगा। हमने सारे केसेस को उसमें डिस्कस कर लिया। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।